सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने पिछले लेक्चर्स को देख लिया होगा और आपको कोई डाउट नहीं रह रहा होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, हम आज अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारा 9th चैप्टर का है और आज हम इसको कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर दें, नहीं भी होगा तो एक चैप्टर एक पार्ट और बनाएंगे और उसमें हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। होप कि आपको कोई डाउट नहीं रह रहा होगा, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछें। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट आवर वेबसाइट, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वेबसाइट का नाम है www.theglobalinformation.com। आप वहाँ से जाके इजीली क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं और स्टडी अपनी कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। शेप ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व, क्या शेप होगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व का। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, व्हेन ऑल अदर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, द बायर बाइज मोर क्वान्टिटी ऑफ अ कमोडिटी एट लोअर प्राइस एंड लेस इफ इट एट अ हायर प्राइस। जब प्राइस कम होती है तो हम ज़्यादा परचेज करते हैं, जब हम प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो हम फिर कम परचेज करते हैं। ड्यू टू दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वान्टिटी डिमांडेड, द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। But the question arises, why does a buyer buys more quantity of commodity at a lower price and less of it at a higher price? Put it another way, why does the demand curve slopes downward from left to right? The most important reason for the inverse relationship between प्राइस एंड क्वान्टिटी डिमांडेड आर एक्सप्लेन बिलो। यहाँ पे पॉइंट्स कुछ दिए हुए हैं, इसको स्टडी करते हैं, देन वी विल एबल टू फाइंड द रीज़न। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज, व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग मीन्स अगर आप बहुत ज़्यादा प्यासे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्यासे हैं तो आपको पानी चाहिए, है ना, वाटर चाहिए, पर आप आते हैं तो और जब आपको अ ग्लास ऑफ वाटर मिलता है तो वो एक ग्लास जितना आपको सेटिस्फैक्शन देता है ना, अगर आप दूसरा ग्लास पियेंगे तो ये उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं देगा जितनी पहले वाली से आपको सेटिस्फैक्शन मिली। अगर आप थर्ड ग्लास पीते हैं तो वो भी सेकंड के मुकाबले और कम आपको सेटिस्फैक्शन देगी, इसको हम डिमिनिशिंग भी बोलते हैं। यहाँ पे भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल अ हंग्री पर्सन गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द फर्स्ट चपाती, लेसर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम सेकंड चपाती एंड स्टिल लेसर फ्रॉम थर्ड चपाती एंड सो ऑन। इफ ही गेट्स मोर सेटिस्फैक्शन ही विल बी रेडी टू पे मोर एंड इफ ही गेट्स less satisfaction he will be ready to pay less price for it. It means he will be willing to buy more quantity of a commodity at lower price and less of it at a higher price. The law of demand also provides the same information which will lead to downward slopes of demand curve. So hope ki aapko first point clear hoga. Now the second point is, suppose you buy mangoes from the market, aapne mangoes khareede market se. If the price of mango is rupees 40 per kg and you buy 2 kg of mangoes at this price, if the price of mango falls from 40 per kg to 20 per kg, your real income or purchasing power is doubled and you can now buy double quantity, that is 4 kg of mangoes with the same money income. Thus a buyer can buy more quantity of a commodity when its price falls and less of it when its price rises, leading to the downward slopes of the demand curve. आपकी income price falls होती है तो आपके पास income रहती है, आपकी purchasing power बढ़ जाती है, तो आप जहाँ पहले 2 kg खरीद पा रहे थे उतने रुपये में आज आप 4 kg खरीद सकते हैं। ठीक है, now the third point is, when price of a commodity falls it becomes relatively cheaper, है ना, cheaper होती है than its substitute. Although of substitution remains the same. For example, if the price of coke falls, अगर coke का price गिर जाता है, it will become क्या cheaper और हो जाता है cheaper than substitute Pepsi, जिसकी Pepsi substitute है उससे वो cheaper हो जाता है. People start buying coke in place of Pepsi.
पेप्सी क्योंकि महंगी हो गई तो लोग पेप्सी खरीदना छोड़ देंगे और वो क्या खरीदेंगे, पेप्सी की जगह कोक खरीदना स्टार्ट कर देंगे। वेयर इट इज, सॉरी गाइस, हियर इट इज, ओके। पीपल स्टार्ट बाइंग कोक इन प्लेस ऑफ पेप्सी, अल्टरनेटिव पेप्सी इज सब्स्टिट्यूट बाय कोक, लीडिंग टू मोर डिमांड फॉर कोक व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स। ऑन द अदर हैंड डिमांड फॉर द कमोडिटी विल फॉल व्हेन इट्स प्राइस राइजेस, इट विल लीड टू डाउनवर्ड स्लोप्स ऑफ द डिमांड कर्व। याद रखना ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, एक मार्क्स में पूछ लेता है कभी कभी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मार्केट डिमांड फॉर अ गुड। मार्केट की डिमांड क्या होती है गुड के लिए, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। रही बात क्वेश्चन आंसर्स की, वो हम लास्ट में करेंगे। मार्केट डिमांड फॉर अ गुड, वर्षा इज नॉट द ओनली बायर ऑफ मैंगोज इन द मार्केट, देयर मे बी सम अदर पर्सन हु मे डिमांड मैंगोज इन द मार्केट। सपोज देयर आर टू अदर बायर्स, विभा एंड सौम्या, हु आर विलिंग टू बाय मैंगोज इन द मार्केट। द टोटल क्वान्टिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय ऑल द इंडिविजुअल्स बायर इन द मार्केट एट द गिवन प्राइज एट गिवन टाइम इज कॉल्ड मार्केट डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना है। लेट देर आर ओनली थ्री बायर्स बाइंग मैंगोज इन द मार्केट, दैट इज वर्षा, विभा एंड सौम्या। मार्केट डिमांड विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्ड ऑफ दीज थ्री बायर्स। नाउ इफ वी एड अनदर टू कॉलम्स शोइंग रिस्पेक्टिव डिमांड ऑफ विभा एंड सौम्या इन टेबल 9.1 अलॉन्ग विद द डिमांड बाय वर्षा, वी कैन गेट द मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, 9.2 में ये दिखाया गया। ये देखिए हमारा 9.2 टेबल जो है, जैसे जैसे प्राइस गिर रही है हमारी खरीदने की क्षमता बढ़ती जा रही है, और ये मार्केट डिमांड सबका ऐड करके ये हमारी मार्केट डिमांड हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, ये क्यों बार बार नीचे चला जा रहा है। ओके, आगे होप कि आपको ये टेबल समझ में आया। When price of mangoes is rupees 80 per kg, Varsha demands only 0.5 kg of mangoes. Vibha demands 1.0 kg of mangoes and Soumya demands no mangoes. उसने मैंगो खरीदे ही नहीं, जीरो। Thus market demand of mangoes at a price of rupees 80 is add कर देंगे kg, जो कि आएगा 1.5 kg of mangoes per week. Likewise market demands for mangoes can be obtained at other prices also as shown in the table 9.2, जैसा कि हमारे उसमें दिखाया गया है। ये तो हमारा क्वेश्चन आंसर है, इसको हम करेंगे, ये भी है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, कि मार्केट डिमांड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। एज स्टार्टेड अर्लियर, मार्केट डिमांड इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द इंडिविजुअल बायर्स इन द मार्केट आर विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइजेस पर यूनिट ऑफ टाइम। इन एडिशन टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कमोडिटी, मार्केट डिमांड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये सारे जो नीचे दिए गए ये फैक्टर्स हैं जिससे इफेक्ट करते हैं। नंबर ऑफ बायर्स, नंबर ऑफ बायर्स बाइंग अ कमोडिटी डिटरमाइंस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इन द मार्केट, एज यू हैव सीन इन द टेबल 9.2 शोइंग मार्केट डिमांड ऑफ मैंगोज। देयर वर थ्री बायर्स ऑफ मैंगोज इन द मार्केट, नेम वर्षा, विभा एंड सौम्या। नाउ इफ वन मोर मेंबर अभा also starts buying mango, what will happen to the market demand of mangoes? Market demand of mangoes will definitely increase. So if the number of buyer of a commodity is large, market demand for the commodity will be more. On the other hand, if the number of buyers is small, market demands for the commodity will be less.
सेकेंड पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन अ सोसाइटी ऑल्सो डिटरमाइंस द मार्केट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी. इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज मोर इन फेवर ऑफ द रिच डिमांड फॉर द कमोडिटी प्रिफर्ड बाय द रिच इज लाइकली टू बी हायर. ऑन द अदर हैंड इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज मोर इन फेवर ऑफ पुअर पीपल फॉर द कमोडिटीज प्रिफर्ड बाय द पुअर इज लाइकली टू बी हायर. थर्ड वन इज क्लाइमेटिक कंडीशन. इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट द डिमांड फॉर आइस इंक्रीजेस ड्यूरिंग समर सीजन, है ना. सिमिलरली डिमांड्स फॉर अम्ब्रेला एंड रेन कोट्स इंक्रीजेस ड्यूरिंग रेनी सीजन एंड डिमांड फॉर woolens increasing during winter season. So the market demand for a commodity is also influenced by the climatic condition. So hope कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा. देख लेते हैं कि हमने आखिर समझा क्या क्या इस चैप्टर के अंतर्गत. What you have learned, demand for a commodity refers to the quantity of the commodity that a buyer is willing to buy at a given price at a given time. ठीक है. Individual demand is the quantity of a commodity that an individual buyer is willing to buy at the given price at a given time. Market demand is the total quantity of a commodity that all the individual buyers in the market are willing to buy at a given price at a given time. The determinants of individual demand are price to the commodity, price of related goods, income of the buyer, taste, preferences and fashions. The determinants of market demand are number of individual buyers buying that commodity, distribution of income and wealth and climatic condition in addition to the determinants of individual demand. The law of demand states that if all other factors affecting demand remains constant, the buyer will buy more quantity of a commodity at lower price and less of it at a higher price. Demand curve is a diagrammatic representation of a law of demand. The demand curve of a commodity slopes downward from left to right. So hope कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन आंसर्स करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. अभी के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम अपने चैप्टर 9 को ख़त्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे. So hope कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा. आज के लिए इतना ही. बाय बाय. टेक केयर.